हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसमें बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा एक्सरसाइज 15 अनुवांशिकी मीन्स जेनेटिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। पहला प्रश्न है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मीन्स जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेंडल को, मेंडल। फिर अनुवांशिकी इकाई किसकी है? अनुवांशिकी है जीन, जीन जेनेटिक्स नाम से ही क्लियर है, जीन। फिर है जीन अवस्थित होता है, मीन्स जीन जो होता है कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो वो होता है गुणसूत्र में। और मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ अभी, क्योंकि इससे पहले मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा जीन है, तो जीन इसमें से क्या है? जीन क्या है? डीएनए का एक भाग। डीएनए का एक भाग क्या है? जीन। फिर है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये भी मैं बता चुका हूँ, ये कौन थे? खुराना, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट, अच्छा इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, ये मुझे आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि नोबेल प्राइज इनको कब मिला था हरगोविंद खुराना को। फिर है ये क्योंकि इंडियन थे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बीडन एंड टेटम। किनके द्वारा? बीडन एंड टेटम ने। नेक्स्ट है जीन को व्यक्त किया जाता है, तो अनुवंशकता की इकाई के रूप में भी, उत्परिवर्तक की इकाई के रूप में, और डीएनए का तो एक भाग है ही, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। फिर है जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक, मीन्स वर्तमान में जिसे हम जीन कहते हैं वो किनके द्वारा कहा गया? वो कहा गया जॉनसन के द्वारा, जोहानसन, जोहानसन। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवंशिकी पदार्थ कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? डीएनए, डीएनए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया, किसने किया? खुराना, हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, मीन्स डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वो दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा। फिर है माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो माता पिता का जो गुण होता है वो कहते हैं ना, उसका जेनेटिक्स मिला हुआ है, तो नाम से ही क्लियर आप समझ जाओगे आसानी से, क्या मिला रहता है? गुणसूत्र मिला रहता है, जेनेटिक्स मिला रहता है। नेक्स्ट है किस कारण से माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो वो होता है अनुवांशिकता विभाव, मीन्स डिफरेंट होता है, माता पिता अलग होता है, और फिर कुछ वातावरण का भी विभिन्नता होता है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों सी। नेक्स्ट है मानव में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो द्विगुणित में कितना हो जाएगा? द्विगुणित अगर रखे मीन्स पेयर होता है इसका इंग्लिश पेयर, तब कीजिएगा 23, ठीक ना। और अगर एकल की बात करें या बोले मानव या मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं या कितने क्रोमोसोम होते हैं, तब 46 मारिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे द्विगुणित कर दिया मीन्स पेयर है ये, तो क्या होगा? 23। फिर है लड़का पैदा होगा, लड़का कब पैदा होगा? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए बच्चों में एक्स वाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक्स वाई गुणसूत्र होना चाहिए। और अगर दोनों सेम रहेगा मीन्स एक्स एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मैंने बताया था 46, क्योंकि 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है, अगर नर का सम्मिलित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई। फिर बच्चों में लिंग का निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो उसके लिए कौन होता है? पिता उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी। देखो क्या होता है, पुरुष में हो जाएगा एक्स और वाई होता है, ठीक ना, महिला में क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। अब इनका वाई इसमें अगर आया मान लो, तो ये क्या हो गया? एक्स वाई बन गया, और क्या होगा? लड़का होगा। अगर एक्स इनमें आ गया तो फिर डबल एक्स हो गया, फिर क्या होगा? लड़की बन जाएगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो लड़के पे डिपेंड करता है। खैर हमारे समाज में कुरीति है कि महिलाओं को पीटा जाता है, इसके लिए कुछ कहा जाता है, खैर ये कम हो रहा है पर जानते ही हैं ऐसा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पिता जिम्मेवार है। फिर है एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 22 जोड़ी, मीन्स 44, 22 जोड़ी। फिर है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक पैदा होगा? तो उसके लिए क्या चाहिए? पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, क्योंकि स्त्री में हमेशा एक्स ही होता है, ठीक ना, और पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई दोनों होता है। तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलेगा तो क्या होगा? लड़का जन्म मिलेगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलग्न रोग है? तो कौन सा होना चाहिए? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। फिर लाल हरी वर्णता रोग होने का कारण क्या है? मीन्स लाल हरा जो एक डिजीज होता है जिसका कोई इलाज भी नहीं है, तो किसके कारण होता है? एक्स गुणसूत्रों की वंशानुगति के कारण, मीन्स
एक्स गुणसूत्रों की वंशानुगति के कारण। जैसे आप रेलवे में देखते होंगे या किसी किसी को देखते होंगे, रेलवे में अधिक टाइट किया जाता है इस एग्जाम को, किसी किसी को रेड और ब्लू में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ग्रीन में डिफरेंस पता नहीं चलता है, तो वो मेरे लिए क्या होता है एस गुणसूत्र। अगर किसी के मम्मी को है ये, माता को है ये डिजीज, तो उसके बच्चे में ये होने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये एक्स गुणसूत्र से ही होता है। किसी पिता को है तो उसके बच्चे को ना भी हो, पर मम्मी को है तो वो होना ही है, चांस अधिक बनता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया जो होता है उसमें क्या नहीं बनता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, तो विटामिन के। नेक्स्ट है मनुष्य में लाल हरी वर्णता को जाना जाता है, मीन्स उस डिजीज को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटोनोपिया या ड्यूट्रानोपिया, दोनों कहा जाता है, तो उपयुक्त दोनों सही है। नेक्स्ट है एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों का क्या होगा, तो संतानों में क्या होगा, आधे पुत्र वर्णांध होंगे, मीन्स 50-50% का बात है, आप फिक्स नहीं है दो में से एक होगा, ऐसा नहीं है, मीन्स 50-50 चांस बनता है ऐसा, तो आंसर हमारा सी। नेक्स्ट हमारा एक वर्णांध पुरुष और महिला और सामान्य महिला की संतानों का पुत्र वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है, ये होता है 0%। देखो पुरुष में क्या है, वर्णांध है, और महिला क्या है, सिंपल है, मीन्स ठीक ठाक है, तो 0% है, लेकिन महिला में अगर ये है समस्या तो फिर पुरुष को चांस अधिक बनता है, ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है महिला पे ज़्यादा। नेक्स्ट है शिशु का पितृत्व संपत्ति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू। नेक्स्ट है जीन शब्द किसने बनाया था, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, किसने किया था, जॉनसन। नेक्स्ट है वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाया जाता है, कैसा दिखाया जाता है, हरा दिखाया जाता है। देखो ये हमेशा नहीं होता है, तब तो वो कन्फर्म कर पाएगा कि हरा दिखाई दे रहा है, तो ये बोलेंगे लाल, लाल दिखा देगा तो समझेंगे हरा, ऐसा नहीं होता है, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये प्रॉब्लम रहता है, ठीक ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होगा, वो किसमें होगा, वो पुत्रियों के पुत्रों में, मीन्स वो जो लेडीज होगी उसके बच्चों में होगा, वो जेंट्स में नहीं होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुवांशिक है। नेक्स्ट हमारा अनुवांशिक विकारों जेनेटिक्स डिसऑर्डर जो होता है के संदर्भ में इस पर विचार करना है आपको। देखो इसमें दिया गया है कि एक महिला कलर ब्लाइंडनेस है जिसको, पर उसका पति को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, मीन्स पति को नहीं है, महिला को है, तो इसके एक पुत्र और एक पुत्री है, इस संदर्भ में आपको इसमें से कौन सा संभावना सही होगा, तो दोनों संतान जो होगा ग्रस्त होगा, नहीं 50% का चांस है, ये गलत हो जाएगा, पुत्री वर्धांत होगी किंतु पुत्र वर्धांत नहीं होगा, ये भी उतना सही नहीं है। फिर दोनों संतान नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, पुत्र वर्धांत है किंतु पुत्री वर्धांत नहीं है, ये सही हो जाएगा, ठीक ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरह से लेसन मीन्स कंप्लीट हुआ, अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक और कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।